नमस्ते दोस्तों। तो आज हम फिर से लेकर के आ चुके हैं दो गाड़ी का कंपेयर वीडियो, जिसमें एक साइड होने वाली है एमजी की कॉम्पैक्ट और दूसरी साइड होने वाली है टाटा नैनो इलेक्ट्रिक। हालांकि ये ऐसा मैं कंपेयर पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन भाई कमेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी कि भाई एक बार फिर से कंपेयर करो और अच्छे से और डीपली जानकारी आप दो। तो आज की वीडियो में वही होने वाला जो कि पब्लिक का कमेंट था। और अगर आपका भी कोई कमेंट है, आपका भी दिल में कोई इच्छा है, तो आप कॉस कमेंट करिए, आपका भाई है ना पूरा करेगा। और कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए भाई कमेंट करो, आपके लिए रिव्यू हो जाएगा। फिर चाहे वो सेकेंड हैंड गाड़ी या फिर ब्रांड गाड़ियों, आपके लिए मैं हमेशा लेकर के आता हूँ और आगे भी लेकर के आता रहूँगा। तो आज के वीडियो में दोनों गाड़ी का जो आपको खराबी मिलती है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्या क्या आपको खराबी मिलती है दोनों गाड़ी के अंदर और क्या क्या आपको अच्छाइयाँ मिलती हैं, क्या फीचर्स हैं, कितना मैक्सिमम पावर आपको इस गाड़ी में मिलती है तो कितना आपको पावर उस गाड़ी के अंदर मिलती है। और हाँ, लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि दोनों गाड़ियों से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी जो है ना आपके लिए बेस्ट होने वाली है। साथ ही साथ प्राइस भी बात किया जाएगा कि कौन सी गाड़ी कितने प्राइस में आपको पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ बात करेंगे। वो सब बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले गाड़ी का खराबी बताता हूँ, जो कि एमजी कॉमेट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एमजी कॉमेट में आपको सबसे बड़ा खराबी ये देखने को मिलता है कि जो गाड़ी है टू डोर गाड़ी है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ दो डोर आपको मिल जाएंगी, जो कि एक आपका को पैसेंजर डोर हो गया और दूसरा आपका ड्राइविंग साइड का डोर हो गया। सिर्फ और सिर्फ दो डोर मिलने वाली है, पीछे में आपको एक भी डोर नहीं मिलती है। तो दिक्कत यही होगा कि पीछे में अगर आप बैठना चाहते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो कैसे महिंद्रा थार में लोग पीछे का आगे का सीट नीचे डाउन करके फिर पीछे जाते हैं, सेम टू सेम दोस्तों, सेम टू सेम आपको फीलिंग आएगा एमजी के अंदर भी। एमजी में आपको ऐसे ही सीट जो है ना वो डाउन करके आपको जाना पड़ेगा पीछे बैठने के लिए। तो ये दिक्कत होगी। रही बात सीटिंग कैपेसिटी की, तो सीटिंग कैपेसिटी आपको एमजी में खैर 5 देखने को मिलता है, बट जिस तरीके से गाड़ी का साइज़ है आप 4 ही लोग अच्छे से बैठ सकते हो, 5 तो बहुत मुश्किल बात है। और नैनो का भी आपको सेम टू सेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और रही बात दोस्तों नैनो के खराबी की, तो चलिए नैनो का भी खराबी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमजी का तो बात कर ही लिया तो हम नैनो थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो नैनो ईवी में दोस्तों आपको एक खराबी देखने को मिलने वाला है, और वो खराबी है दोस्तों गाड़ी का चार्जिंग पॉट को लेकर के। अगर आप गाड़ी का चार्जिंग पॉट का बात करें तो दोस्तों चार्जिंग पॉट गाड़ी का जो ना आपको आगे में मिलने वाला है। अब आगे बोला तो आप ये बोलो कि भाई आगे है तो इसमें दिक्कत क्या है, हर गाड़ी का तो आगे ही मिल रहा है। तो भाई इसमें आगे कुछ कमाल का जगह दिया गया है, आगे जो बोनट है ना उसके अंदर दिया गया है। मतलब कि जिनके पास पेट्रोल लाइन होगा ना उनको पता चल गया होगा दोस्तों, जहाँ पर आप पेट्रोल डलवाया करते थे ना पेट्रोल लाइनों में, आगे बोनट ओपन करके आपको नीचे में दिया रहता था, वहीं पर दोस्तों आपको चार्जिंग पॉट भी मिलने वाला है। तो दिक्कत यही है ना कि जब भी आप गाड़ी को चार्ज लगाएंगे तो आपको गाड़ी का जो बोनट है ओपन करना पड़ेगा, और ओपन किए रहना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बंद कर सकते हैं, ओपन किए रहना पड़ेगा, देन आप चार्जिंग लगा सकते हैं और चार्ज जब निकालना हो तो ही आप बोनट बंद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बरसात हो या कोई भी मौसम हो आपको चार्जिंग जो है वो बोनट खोल के ही करना पड़ेगा। तो एक गाड़ी के अंदर दिक्कत है। चलिए दोनों गाड़ी की दिक्कत की बात कर ली है, बात करें अच्छाई की, तो अच्छाई दोस्तों आपको नैनो इलेक्ट्रिक से मैं बताता हूँ। तो नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको एक अच्छाई ये मिलती है कि जैसे कि आप बेस मॉडल नैनो लिया करते थे तो उसमें आपको पीछे से बूट जो था ना ओपन करने का फीचर्स नहीं मिलता था, बट इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको इसमें ये फीचर्स मिलता है, आप बूट जो है बहुत आराम से आप ओपन कर सकते हैं, बूट ओपन में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर चाहे आप नैनो इलेक्ट्रिक का बेस मॉडल लेने जाएँ या फिर टॉप मॉडल लेने जाएँ, क्योंकि टॉप मॉडल जो ट्विस्ट आया करती थी उसी को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया ही गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात दोस्तों और भी कुछ अच्छाइयाँ की, तो वैसे तो मेरे ख्याल से और कुछ अच्छाइयाँ नहीं है। तो चलिए भी हम बात कर लेते हैं इंजन के बारे में थोड़ा बहुत, क्या इंजन मिलती है, क्या क्या आपको फीचर्स जो है वो इस गाड़ी के अंदर और अभी मिलने वाली है। सबसे पहले एमजी का मैं आपको बैटरी कैपेसिटी बताऊँ, तो दोस्तों बैटरी कैपेसिटी आपको 17.3 kWh का मिल जाता है एमजी के अंदर। और वहीं बात करें नैनो इलेक्ट्रिक में, तो दोस्तों नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर भी आपको 17 kWh का ही बैटरी कैपेसिटी मिलता है। तो देखा जाए तो दोनों गाड़ी के अंदर आपको सेम टू सेम बैटरी कैपेसिटी मिलती है। और वहीं बात करें मैक्सिमम पावर की, तो दोस्तों एमजी जो है वो आपको 41.42 BHP का पावर जो है वो दे देता है, जो कि काफ़ी बेस्ट पावर है। और वहीं बात करें नैनो की, तो दोस्तों नैनो आपको 27 BHP का पावर देता है। और टॉर्क की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलने वाला है एमजी के अंदर 110 Nm का। वहीं बात करें दोस्तों मैक्सिमम टॉर्क टाटा नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर, तो नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको 68 Nm का देखने को मिल जाएगा दोस्तों टॉर्क। तो देखा जाए तो दोनों गाड़ी के अंदर ठीक ही ठाक है, बस एमजी के अंदर थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है और नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर थोड़ा आपको कम देखने को मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों सीटिंग कैपेसिटी, सो सीटिंग आपको दोनों में 4 ही मिलने वाली हैं, कोई ये नहीं है कि ज़्यादा आपको मिल जाएगी एमजी के अंदर। रही बात रेंज को लेकर के कि कितनी किलोमीटर गाड़ी चल सकती है एक फुल चार्ज में, तो दोस्तों रेंज आपको देखने को मिल जाएगा एमजी के अंदर 230 किलोमीटर का। जी हाँ, एक फुल चार्ज में आप 230 किलोमीटर बहुत आराम से एमजी को लेकर के जा सकते हैं। और वहीं बात करें दोस्तों टाटा नैनो इलेक्ट्रिक की, तो नैनो इलेक्ट्रिक का दोस्तों कंपनी खुद क्लेम करती है कि 140 से 160 के बीच में आप ले जा सकते हैं, आप अच्छे से चलाएंगे तो 160 भी चला जाएगा, लेकिन जो है एवरेज वो आपको यही मिलने वाला है। मतलब कुल मिला के बताऊँ तो एमजी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दे देती है नैनो के मुकाबले। और रही बात चार्जिंग टाइमिंग की, तो दोस्तों चार्जिंग
चार्जिंग टाइमिंग आपको टाटा नैनो के अंदर 7 से 7.5 घंटा का देखने को मिल जाता है, और वहीं एमजी के चार्जिंग टाइमिंग की बात करें तो एमजी चार्जिंग टाइमिंग आपको 8.5 घंटा के आसपास देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग टाइम में कहीं ना कहीं दोस्तों नैनो जो है वो बाजी मार जाती है। और चलिए बात करें बॉडी टाइप की, तो बॉडी टाइप दोनों की दोनों गाड़ी आपको हैचबैक में मिलती है, काफ़ी छोटी गाड़ी है। स्टाइल लुक की बात करें तो स्टाइल लुक में आपको एमजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है नैनो के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा जो गाड़ी है ना वो ग्लास का लगता है, और ग्लास तो कॉस आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं थोड़े बहुत और कुछ डिटेल्स के बारे में। तो मोटर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों गाड़ी के अंदर मोटर का यूज़ किया गया इंडक्शन मोटर, जी हाँ दोनों गाड़ी के अंदर। और वहीं बात कर ली जाए दोस्तों गाड़ी के क्या बोलते हैं बैटरी वोल्टेज के बारे में, तो बैटरी वोल्टेज आपको 48 वोल्ट का देखने को मिल जाएगा। और बैटरी टाइप में आपको बताऊं तो लिथियम आयन का आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। और ड्राइव लेआउट की बात करें तो दोस्तों ड्राइव लेआउट में आपको रियल व्हील ड्राइव जो होता है ना वो आपको दोनों की दोनों गाड़ी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोनों गाड़ी आपको रियल व्हील ड्राइव मिल जाएगी। रियल व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि गाड़ी का जो पावर है ना दोस्तों आपको फ्रंट का जो व्हील है उसमें आपको मिल जाती है। और बात करें एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल जाता है 0 to 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड टाटा नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5.8 सेकंड में चली जाती है। और वहीं बात करें एमजी की तो दोस्तों एमजी में आपको 0 to 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड सिर्फ और सिर्फ 6.5 सेकंड में चली जाती है। तो स्पीड देखा जाए तो दोनों का इक्वल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा स्पीड जो है ना वो आपको मिल जाता है। तो चलिए ये सब तो जो था बात कर लिया, अभी हम बात कर लेते हैं फीचर्स में। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ ना तो फीचर्स में आपका जो एमजी आगे होने वाला है नैनो के मुकाबले, क्योंकि अब कॉस यार एमजी इधर इधर लॉन्च हुआ है, वैसे तो नैनो भी इलेक्ट्रिक इधर ही लॉन्च हुई है, लेकिन फिर भी फीचर्स में आपको एमजी ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको फीचर्स भी बता ही देता हूँ। सबसे पहले बात करें पावर स्टीयरिंग की, तो दोस्तों पावर स्टीयरिंग आपको दोनों गाड़ी में मिल जाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। हालांकि स्टीयरिंग के ऊपर बात करें कंट्रोल्स की, तो स्टीयरिंग के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ एमजी के अंदर। और दोस्तों टाटा का जो है नॉर्मल आपको बेसिक सा मिलता है बस पावर स्टीयरिंग वाला। और बात करें पावर विंडोज़ की, तो दोस्तों पावर विंडोज़ आपको फ्रंट में मिल जाएंगे और रियर में आपको मिल जाएंगे एमजी के अंदर, लेकिन नैनो के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। नैनो आपको नॉर्मल देता है, मतलब हैंड रोटेटिंग। टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ पावर बटन मिल जाता है और कहीं नहीं। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम आपको एमजी में मिल जाएगा, लेकिन नैनो के अंदर नहीं मिलने वाला है। और एसी आपको दोनों गाड़ी में मिल जाएंगी विथ हीटर के साथ। एयरबैग्स की बात करें तो एयरबैग्स नैनो के अंदर नहीं मिलेगा, एमजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बताने लग जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको अभी हम हटाते हैं। बात करते हैं प्राइस पे, तो दोस्तों एमजी की प्राइस की बात करें तो एमजी आपको दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस मिल जाता है इसका 6,99,000। जी हाँ 6,99,000 से इसका स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि लास्ट जाता है 9,40,000 तक। और वही बात करें टाटा नैनो इलेक्ट्रिक की, तो दोस्तों नैनो इलेक्ट्रिक आपको 4,00,000 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि लास्ट इसका प्राइस जो है वो 6,00,000 तक जाता है। तो प्राइस के मुकाबले देखा जाए तो नैनो कहीं ना कहीं आपको कम मिलती है और एमजी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्राइस का मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन माने तो आपको एमजी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि नैनो भी बेस्ट गाड़ी है, बट नैनो में कुछ कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एसी अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये तो आप एमजी ले लीजिए, क्योंकि गाड़ी एक ही बार लिया जाता है और एमजी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है। बस बैठने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बाकी कोई भी तरीके कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। मेरा जो ओपिनियन था मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, जो मन से आप ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल बना दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।